जयपुर पुलिस ने एक ट्रिपल मर्डर की हिस्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक कुख्यात मर्डलिस्ट को धरा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रफीक है, जो हर शहर में अलग अलग नाम से रहता था। सबसे पहला मर्डर उसने बूंदी में 1998 में एक महिला का किया था, जो उसके साथ ही रहती थी। अनबन होने पर उसने महिला का मर्डर कर दिया और वहाँ से यूपी चला गया। वहाँ उसने एक अन्य युवती से संबंध बनाकर उससे शादी कर ली। बाद में पारिवारिक कलह से उसने वहाँ भी अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से वह आगरा में आ गया। वहां से एक युवक से विवाद होने पर उसकी नरसंग हत्या कर दी और भागकर जयपुर आ गया। लंबे समय से वह जयपुर के जोटवा क्षेत्र में रह रहा था। उसने अपना नाम भी रफीक से बदलकर अर्जुन राम कर दिया था। यहां भी उसने एक युवती से शादी कर ली। हालांकि आगरा और यूपी में सास के मर्डर के बाद वहां की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और बराबर राजस्थान व जयपुर पुलिस के संपर्क में थी। जयपुर पुलिस को अर्जुन राम उर्फ रफीक की संगीत गतिविधियों के बारे में पता चला तो पुलिस ने उस पर निगाहें रखी और उसके बारे में पड़ताल की। फिर उससे पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने जितने भी मर्डर और दूसरे अपराध किए उनके बारे में खुलासा करते हुए अपराध करना स्वीकार भी कर लिया। एसीपी जोटवाड़ा आस मोहम्मद ने इस ट्रिपल मर्डर के खुलासे की अहम भूमिका निभाई। डीसीपी अशोक गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता करके इस बारे में खुलासा भी किया। पुलिस उससे मर्डर के अलावा दूसरी आपराधिक वारदातों के बारे में भी पड़ताल कर रही है। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।